एक पल कहीं रुके
रियाजत अली शायक नगर निगम प्राइमरी स्कूल जाफराबाद दिल्ली से आपका ताल्लुक है जनाब रियाजत अली शायक। का जवाब मिलना जहां में महाल है, उसका जवाब मिलना जहां में महाल है, वो हुस्ने लाजवाब खुद अपनी मिसाल है। उसका जवाब मिलना जहां में महाल है, वो हुस्ने लाजवाब खुद अपनी मिसाल है। ये और बात है कि न हो उनको इल्तफात, ये और बात है कि न हो उनको इल्तफात, वो खूब जानते हैं हमारा जो हाल है, वो खूब जानते हैं हमारा जो हाल है। और तालिब कोई है एक करम की निगाह का, तालिब कोई है एक करम की निगाह का, कीजिए ना रद किसी का ये पहला सवाल है। तालिब कोई है एक करम की निगाह का, कीजिए ना रद किसी का ये पहला सवाल है। और सिमरन हमें जितने हैं दूर उतने ही दिल के करीब हैं, जितने हैं दूर उतने ही दिल के करीब हैं, हमको तो दौरे हिजर भी दौरे वहाल है। जितने हैं दूर उतने ही दिल के करीब हैं, हमको तो दौरे हिजर भी दौरे वहाल है। और हम वादा कश तो मैं को समझते हैं जिंदगी, हम वादा कश तो मैं को समझते हैं जिंदगी, ए वाइजे बुजुर्ग तेरा क्या ख्याल है। हम वादा कश तो मैं को समझते हैं जिंदगी, ए वाइजे बुजुर्ग तेरा क्या ख्याल है। और दुनिया में बाकमाल मिलेंगे गली गली, दुनिया में बाकमाल मिलेंगे गली गली, मैं बेकमाल हूँ यही मेरा कमाल है। दुनिया में बाकमाल मिलेंगे गली गली, मैं बेकमाल हूँ यही मेरा कमाल है। शायद तेरी नजर की जवानी न जाएगी, शायद तेरी नजर की जवानी न जाएगी, पिनहा तेरी नजर में किसी का जमाल है, पिनहा तेरी नजर में किसी का जमाल है। हमारे शुआरा की फहरिस्त में जो अस्माए करम मैंने आपके सामने पेश किए, उनमें गजल को नए अफकार, जदीद ख्यालात और नई गजल के अंदाज से कहने वाले बेहतर शुआरा तस्वीर करते हैं। गुज़िश्ता बार हमारे एक शायर तशरीफ लाए थे और उन्होंने आपके सामने अपनी बेहतरीन गजल के अचार उसी रंग और नए आहंग के पेश किए थे। मैं अब उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैं जनाब अफजल किरतपुरी से दरख्वास्त करूंगा जो नगर निगम प्राइमरी स्कूल कूचा पंडित दिल्ली में पढ़ाते हैं, कि वो ज़हमत फरमाएं और अपना कलाम आपके सामने पेश करें। शुआरा से भी दरख्वास्त है कि थोड़ा माइक से फासले पर खड़े होकर पढ़ो। पहले रिकॉर्ड में जरा गड़बड़ हो रही है, इसलिए दो शेर पेश कर रहा हूँ, लाला फरमाइए। शायद आरिफ कमल निगाह वो जादू भी अब नहीं, आरिफ कमल निगाह वो जादू भी अब नहीं, बदले थे हम जरूर तो वो तू भी अब नहीं। आरिफ कमल निगाह वो जादू भी अब नहीं, बदले थे हम जरूर तो वो तू भी अब नहीं। और वो दौरे कशमकश है, वो दौरे कशमकश है कि दारो रतन तो क्या,
वो दौरे कश्मकश है कि दारो रसन तो क्या, कब से हिकायते कदो गेसु भी अब नहीं, कब से हिकायते कदो गेसु भी अब नहीं। और गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ, लादा सुनाइए। मेरी बर्बादी के नोहे उनके होठों पर मिले, मेरी बर्बादी के नोहे उनके होठों पर मिले, आज तीने नम मिली जिनकी न दामन पर मिले, आज तीने नम मिली जिनकी, मेरी बर्बादी के नोहे उनके होठों पर मिले, आज तीने नम मिली जिनकी न दामन पर मिले। और शे देखिए के रूह पर था कुछ मनाजिर शहर में अक्सर मिले, रूह पर था कुछ मनाजिर शहर में अक्सर मिले, सैकड़ों घर बेमकी लाखों मकी बेघर मिले। रूह पर था कुछ मनाजिर शहर में अक्सर मिले, सैकड़ों घर बेमकी लाखों मकी बेघर मिले। और एक और मतलब देखिए कि हर कदम पर नर्म फूलों के हसीन बिस्तर मिले, हर कदम पर नर्म फूलों के हसीन बिस्तर मिले, और फसले गुल में भी मगर कुछ लोग कांटों पर मिले, फसले गुल में भी मगर कुछ लोग कांटों पर मिले, हर कदम पर नर्म फूलों के हसीन बिस्तर मिले, फसले गुल में भी मगर कुछ लोग कांटों पर मिले। ऐसे देखे कि सबके होठों पर तबस्सुम था बफैज़े बादे तूर, सबके होठों पर तबस्सुम था बफैज़े बादे तूर, रात के आंसू भी कुछ फूलों के दामन पर मिले, रात के आंसू भी कुछ फूलों के दामन पर मिले, सबके होठों पर तबस्सुम था बफैज़े बादे तूर, रात के आंसू भी कुछ फूलों के दामन पर मिले। और इसे देखे कि एक दिया ऐसा न था बनता जो छम्मे रह गुजर, एक दिया ऐसा न था बनता जो छम्मे रह गुजर, जलते बुझते जुगनुओं जैसे दिए घर घर मिले, एक दिया ऐसा न था, एक दिया ऐसा न था बनता जो छम्मे रह गुजर, जलते बुझते जुगनुओं जैसे दिए घर घर मिले। और किससे करते हम किसी की बेनियाजी का गिला, किससे करते हम किसी की बेनियाजी का गिला, वो भी दौर आया कि जब अपने भी कतरा कर मिले, वो भी दौर आया कि जब अपने भी कतरा कर मिले। और आखिरी से पेश कर रहा हूँ मुलाजम अपनाइए कि हमने सीखा ही नहीं यारो मसाइल से फरार, हमने सीखा ही नहीं यारो मसाइल से फरार, जब किसी आपत ने दस्तक दी हम अपने घर मिले, हमने सीखा ही नहीं यारो मसाइल से फरार, किसी आफत ने दस्तक दी हम अपने घर मिले, हमने सीखा ही नहीं यारो मसाइल से फरार, जब किसी आफत ने दस्तक दी हम अपने घर मिले, जब किसी आफत ने दस्तक दी हम अपने घर मिले। और मक्का पेश कर रहा हूँ, और वो जिस माहौल में गजल पढ़ रहा हूँ वो कतई हसबे हाल है, के बेहतर व बरतर तो है मौजूद अफजल गिरदो पेश, बेहतर व बरतर तो है मौजूद अफजल गिरदो पेश, एक हसरत अब भी बाकी है कोई हमसर मिले, जनाबे अब्दुल कुरी की आपने वजन समाप्त फरमाई। अब मैं दावत सुखन देता हूँ जनाबे खुसरो मतीन जो उस्ताद हैं गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल जामा मस्जिद, जनाबे खुसरो मतीन
गजल से पहले चंद मुतफर्रिक अशआर पेश करूंगा। शेर समाप्त करना, हम अपनी जात की पहचान किस तरह करते, हम अपनी जात की पहचान किस तरह करते, हमारे नाम की तख्ती किसी मकाम पे नहीं, हमारे नाम की तख्ती किसी मकाम पे नहीं, बस एक शाम गुजारूंगा तेरे आंगन में, बस एक शाम गुजारूंगा तेरे आंगन में, और उसके बाद हवाएं मेरा मुकद्दर हैं। गजल के शेर समझ फरमाइए। उदास जागती आंखों के ख्वाब लाया हूँ, उदास जागती आंखों के ख्वाब लाया हूँ, मैं पत्थरों में छुपा कर गुलाब लाया हूँ, उदास जागती आंखों के ख्वाब लाया हूँ, मैं पत्थरों में छुपा कर गुलाब लाया हूँ, वो एक सवाल जो तुमने कभी नहीं पूछा, वो एक सवाल जो तुमने कभी नहीं पूछा, सजा के पलकों पे उसका जवाब लाया हूँ, वो एक सवाल जो तुमने कभी नहीं पूछा, सजा के पलकों पे उसका जवाब लाया हूँ, जो हो सके इसे तन्हाइयों में पढ़ लेना, जो हो सके इसे तन्हाइयों में पढ़ लेना, तुम्हारे वास्ते दिल की किताब लाया हूँ, तुम्हारे वास्ते दिल की किताब लाया हूँ, नजर में दूर तलक खुशबुओं का मंजर है, नजर में दूर तलक खुशबुओं का मंजर है, मैं ख्वाहिशों का नया आफ्ताब लाया हूँ, मैं ख्वाहिशों का नया आफ्ताब लाया हूँ, और देखिए तुम्हारे साथ सितारों की तरह चलता रहूं, तुम्हारे साथ सितारों की तरह चलता रहूं, मगर मैं जिंदगी मिसले हवा लाया हूं, मगर मैं जिंदगी मिसले हवा लाया हूं, उदास जागती आंखों। मैं अब सहमत दूंगा ये शेर अर्थ करते हुए कि मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहां से, मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहां से, अगर इसका यकीन हो कि कोई देख रहा है, जनाबे तहसीन हैदर सब्जवारी जो उस्ताद हैं एंग्लो अरबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, वो जहमत फरमाएं और अपना कलाम अता करें। जनाबे तहसीन सब्जवारी, उर्दू शेर व अदब की रवायत समाज से बेगाना नहीं है, उसका जो रिश्ता है वह अज़हर में शम्स है, और ये कहूँ तो बेगाना होगा कि उसकी कुव्वत समाज भी है और बसारत भी, इसलिए कि उसकी बागडोर उसके हाथ में है जो सुनने की ताकत भी रखता है और देखने की। चलिए शेर लहजा फरमाएं। हर तरफ से राही को रहज़नों ने घेरा है, हर तरफ से राही को रहज़नों ने घेरा है, अब ये टहर जाओ रास्ते में खतरा है, अब ये टहर जाओ कि झाड़ियों के दामन से मिल रही है पगडंडी, कोई शमा ले आओ दूर तक अंधेरा, झाड़ियों के दामन से मिल रही है पगडंडी, कोई शमा ले जा ले आओ दूर तक अंधेरा है, हर तरफ है सन्नाटा हर तरफ है वीरानी, इस तरफ नजर डालो कुछ अजीब लगता है, कल के जो महाफिल थे आज है वही कातिल, देखे वार से उनके कौन बच निकलता है, और कि कोई खटखटाता है दर को बंद रहने दो, ये नगर है बहरों का कौन किसकी सुनता है, ये नगर है जिंदगी सी सकती है पेचो खम में राहों के, आज मौत के हाथों जिंदगी का सौदा है, और सर उठाए फिरते हैं नादियों गरानी के, जैसे शहर वालों से
इनका कोई रिश्ता है। लब पे अमन का नारा, दिल में जंग की हसरत। लफ्ज़ नशरे गैर मुरत्तब पैदा हो गई। लब पे अमन का नारा, दिल में जंग की हसरत। किस कदर अंधेरा है, किस कदर उजाला है। अपने अपने कांधों पर दर्द की सिलीबें हैं। जाने वालों बतलाओ, तुम में कोई ईसा है। आदम इस कदर तहसी, गैर से गले मिलकर कुछ सुकून मिलता है। प्राइमरी स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल और उसके बाद फिर कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी, इसी तरह सिलसिला हमारा चलता रहेगा ताकि आप तमाम शुआरा को एक साथ सुनते रहें। हम मैं पंडित आजहानी पंडित गोपीनाथम लखनवी के साहबजादे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के राजधानी कॉलेज के उस्ताद जनाब डॉक्टर धर्मेंद्र नाथ से दरख्वास्त करूँगा कि वो जहमत फरमाएँ और अपना कलाम आपके सामने पेश करें। डॉक्टर धर्मेंद्र नाथ नई शायरी, नए रंग की शायरी, नए अंदाज से शेर कहते हैं। बंदगी में आए जब वहमो गुमा के फासले, बंदगी में आए जब वहमो गुमा के फासले, बढ़ गए कितने जबीनों आस्था के फासले। हो अगर एहसास तो वो है लगे जा के करीब, हो अगर एहसास तो वो है लगे जा के करीब। सोचिए तो है जमीनों आसमां के फासले, सोचिए तो है जमीनों आसमां के फासले। महब हो जाए अनल हक की सदा में जब वजूद, महब हो जाए अनल हक की सदा में जब वजूद। खत्म हो जाते हैं नाकुसो अजा के फासले, महब हो जाए अनल हक की सदा में जब वजूद। खत्म हो जाते हैं नाकुसो अजा के फासले। माफी चाहूंगा। रिज़्क़ का ज़ामिन तो है परवरदिगारे दो जहां, रिज़्क़ का ज़ामिन तो है परवरदिगारे दो जहां। जान लेवा फिर है क्यों दस्तो दहां के फासले। रिज़्क़ का ज़ामिन तो है परवरदिगारे दो जहां, जान लेवा फिर है क्यों दस्तो दहां के फासले। और जिंदगी का रास्ता करते हैं ये दुश्वार तर, जिंदगी का रास्ता करते हैं ये दुश्वार तर। इन वहाँ के पेचो हम सूदो जिया के फासले, इन वहाँ के पेचो हम सूदो जिया के फासले। अज़्म मोहकम हो तो मंजिल आ ही जाती है करीब, अज़्म मोहकम हो तो मंजिल आ ही जाती है करीब। राह की दुश्वारियाँ कैसी कहाँ के फासले, अज़्म मोहकम हो तो मंजिल आ ही जाती है करीब। राह की दुश्वारियां कैसी कहां के फासले। क्या कहें, किससे कहें, कैसे कहें, हम कब कहें। वाह वाह, क्या कहें, किससे कहें, कैसे कहें, हम कब कहें। हर दिल कहने में हायल है ज़बां के फासले। शोभा उर्दू जाने मिल लिया इस्लामिया के रीडर डॉक्टर मोहम्मद हनीफ कैफी से दरख्वास्त करूंगा कि वो जहमत फरमाएं और अपना कलाम पेश करें। डॉक्टर मोहम्मद हनीफ कैफी रीडर शोभा उर्दू जामे मिल्लिया इस्लाम। अच्छा, प्यारे गैर में मानूस मंजर साथ रहता है, प्यारे गैर में मानूस मंजर साथ रहता है। कहीं जाकर रहूं कैसी मेरा घर साथ रहता है, प्यारे गैर में मानूस मंजर साथ रहता है। कहीं जाकर रहूं कैसी मेरा घर साथ रहता है। और फिर देखिए, रही ने फिदगते दरिया दिली है तश्मा कहानी भी, रही ने फितरते दरिया दिली है तश्मा कहानी भी। मैं खुद प्यासा हूँ लेकिन एक समंदर साथ रहता है। कृष्णा कहानी भी दरिया दी है, कृष्णा कहानी भी। मैं कुछ प्यासा हूँ लेकिन
बिजलियों की शरारत
बता दी गई। आशियानों की बर्बादियों का सबब बिजलियों की शरारत बता दी गई और आप तो उनके हल्का बगोसों में थे, आप तो उनके हल्का बगोसों में थे। आपको किस खता की सजा दी गई, आपको किस खता की सजा दी गई। आप तो उनके हल्का बगोसों में थे, आपको किस खता की सजा दी गई। और रोशनी घर में दाखिल न हो इसलिए, रोशनी घर में दाखिल न हो इसलिए हर दरीचे की चिलमन गिरा दी गई। रोशनी घर में दाखिल न हो इसलिए हर दरीचे की चिलमन गिरा दी गई। और गम भी दुनिया से बढ़ चढ़ के हमको मिले, गम भी दुनिया से बढ़ चढ़ के हमको मिले। और सरफराजी भी सबसे सिवा दी गई, सरफराजी भी सबसे सिवा दी गई। और किस कदर इस पे बरहम है दुनिया अजीज, और किस कदर इस पे बरहम है दुनिया अजीज। उसकी तस्वीर उसको दिखा दी गई, उसकी तस्वीर उसको दिखा दी गई। कुछ घटा दी गई, कुछ बढ़ा दी गई, और क्या कहानी थी और क्या बना दी गई। मेरा जनाब अजीज से आपने उनकी गजल समाप्त फरमाई, अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ नौजवान नंदी स्कूल हौजरानी नई दिल्ली के, कि वो ज़हमत फरमाए और अपना कलाम अदा करें। जनाब फरियाद आज़र। लम्हा लम्हा सुलगते हुए जीत की एक मुसलसल कयामत में है, लम्हा लम्हा सुलगते हुए जीत की एक मुसलसल कयामत में है। हम अजल से चमकती हुई ख्वाहिशों की तिलस्मी हिरासत में है, लम्हा लम्हा सुलगते हुए जीत की एक मुसलसल कयामत में है। हम अजल से चमकती हुई ख्वाहिशों की तिलस्मी हिरासत में है। उसके कहने का मफहूम ये है कि ये जिंदगी आखिरत अक्स है, उसके कहने का मफहूम ये है कि ये जिंदगी आखिरत अक्स है। अब हमें सोचना है कि हम लोग दोज़ख में हैं या कि जन्नत में। उसके कहने का मफहूम ये है कि ये जिंदगी आखिरत अक्स है, उसके कहने का मफहूम ये है कि ये जिंदगी आखिरत अक्स है। अब हमें सोचना है कि हम लोग दोज़ख में हैं या कि जन्नत में। और ये शेर खुदा की नज़र कि तुझसे पिछले तो हम रहमे मादर में फिर गोद में फिर सफर दर सफर, तुझसे पिछले तो हम रहमे मादर में फिर गोद में फिर सफर दर सफर, देख फिर तुझसे मिलने की ख्वाहिश में कब से लगा था। उससे पिछले तो हम रहे मादर में फिर रोद में फिर सफर दर सफर, देख फिर तुझसे मिलने की ख्वाहिश में कब से लगातार हिजरत में है। और ये शेर तो चाहूंगा साहब इस शेर पे कि अब फरिश्तों को भी संत ममनुआ की ख्वाहिशें बख्श दे है खुदा, और फरिश्तों को भी संत ममनुआ की ख्वाहिशें बख्श दे है खुदा, देख कितने युगों से ये बेसुन रूह हैं इशारे अतात के हैं। अब फरिश्तों को भी संत ममनुआ की ख्वाहिशें बख्श दे है खुदा, देख कितने युगों से ये बेसुन बेजिस्म रूह हैं इशारे अतात में हैं। और हजरात आखिरी शेर आज के खास मौके पर यानी यौम असातिज़ा के मौके पर तमाम असातिज़ा हजरात की नज़र और खुसूसी तौर पर आपकी नज़र के मुंतजर मुंतजर जाने कितने युगों से हैं लम्हे की मंजिल का रास्ता मिले,
मुंतजिर जाने कितने युगों से है लम्हे के मंजिल का रास्ता मिले, और हम उनकी राहों को रोके हुए अपनी अपनी सियासत में हैं। हजरत, अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर जी आर कमल, प्रिंसिपल एंग्लो संस्कृत स्कूल दरियागंज से, कि वो तशरीफ लाए और अपना कलाम आपके सामने पेश फरमाए। डॉक्टर जी आर कमल, प्रिंसिपल एंग्लो संस्कृत स्कूल दरियागंज। एक मुसलसल गजल पेश कर रहा हूँ, मतलब नहीं कह सका। वो लम्हा जिसके साए में करार आता है इंसान को, वो लम्हा जिसके साए में करार आता है इंसान को, वो लम्हा दोस्ती का, आशिकी का, दिलबरी का है। वो लम्हा जिसके साए में करार आता है इंसान को, वो लम्हा दोस्ती का, आशिकी का, दिलबरी का है। वो लम्हा जिसके पीछे दौड़ती फिरती है ये दुनिया, वो लम्हा जिसके पीछे दौड़ती फिरती है ये दुनिया, वो लम्हा जिंदगी की तलखियों में सर खुशी का है। वो लम्हा जिंदगी की तलखियों में सर खुशी का है। वो लम्हा जिसको छूकर जिंदगी बेदार होती है, वो लम्हा जिसको छूकर जिंदगी बेदार होती है, वो लम्हा जख्म दिल से सर उठाती आगही का है। वो लम्हा जख्म दिल से सर उठाती आगही का है। वो लम्हा जिसके आने से अंधेरे डगमगाते हैं, वो लम्हा जिसके आने से अंधेरे डगमगाते हैं, वो लम्हा आसमानों से उतरती रोशनी का है। वो लम्हा आसमानों से उतरती रोशनी का है। वो लम्हा जिसके दम से दर्द सारे भूल जाते हैं, वो लम्हा जिसके दम से दर्द सारे भूल जाते हैं, वो लम्हा हुस्न की आंखों में खोकर बेखुदी का है। वो लम्हा हुस्न की आंखों में खोकर बेखुदी का है। वो लम्हा जिसको पाकर आदमी इंसान बनता है, वो लम्हा जिसको पाकर आदमी इंसान बनता है, वो लम्हा तन बदन में रूह की जलवा गरी का है। वो लम्हा तन बदन में रूह की जलवा गरी का है। वो लम्हा जो किसी लम्हे की सूरत से नहीं मिलता, वो लम्हा जो किसी लम्हे की सूरत से नहीं मिलता, वो लम्हा आदम व हवा में पहली दोस्ती का है। हवा में पहली दोस्ती का है। वो लम्हा जिसको ढूंढा है हजारों कारवानों ने, वो लम्हा जिसको ढूंढा है हजारों कारवानों ने, वो लम्हा मंजिलों के ख्वाब में गुम रहबरी का है। वो लम्हा मंजिलों के ख्वाब में गुम रहबरी का है। वो लम्हा जो तसव्वुर की हदों को छू नहीं सकता, वो लम्हा जो तसव्वुर की हदों को छू नहीं सकता, वो लम्हा जिंदगी से भी परे एक जिंदगी का है। वो लम्हा जिंदगी से भी परे एक जिंदगी का है। और शेर पेश करता हूँ, वो लम्हा जो हसीन लगता है दुनिया के बखेड़ों में, वो लम्हा जो हसीन लगता है दुनिया के बखेड़ों में, वो लम्हा रूह के महाने में बाबा कशी का है। वो लम्हा रूह के महाने में बाबा कशी का है। वो लम्हा जिसके आगे आदमियत सर झुकाती है, वो लम्हा जिसके आगे आदमियत सर झुकाती है, वो लम्हा नूर बरसाती हुई पैगंबरी का है। वो लम्हा नूर बरसाती हुई पैगंबरी का है। और शोरा हजरत शेर आपके लिए, वो लम्हा जिसमें रूह शायरी परवान चढ़ती है, वो लम्हा जिसमें रूह शायरी परवान चढ़ती है, वो लम्हा महजदीनों में गजल की शायरी का है। वो लम्हा महजदीनों में गजल की शायरी का है। वो लम्हा जिसके सीने से सदाए हक निकलती है, वो लम्हा जिसके सीने से सदाए हक निकलती है, वो लम्हा साजे दिल पर रूह परवर नगमगी का है। वो लम्हा साजे दिल पर रूह परवर नगमगी का है। और मकता जश कहता हूँ, वही लम्हा कमल हासिल है सदियों की इबादत का, वही लम्हा कमल हासिल है सदियों की इबादत का, जो बिल आखिर खुदा के रूबरू एक आदमी का है, जो बिल आखिर खुदा के रूबरू एक आदमी का है। शायरात में असाजा की हमारी इस फहरिस्त में दो शायरात मशहूर शायरात जो ख़वातीन हैं वो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। एक शायरात जिनको मैं अब सहमत दे रहा हूँ, वो जिस ज़माने में तालिबे इल्म थी दिल्ली के, और दिल्ली के अलावा मुख्तलिफ़ कॉलेजों में दूसरी यूनिवर्सिटियों के बहुत मकबूल
शायरा की हैसियत से वो शरीक होती थी वहाँ की इल्मी अदबी नशस्तों में और प्रोग्रामों में। रिफत सरोज साहब दुनिया तशरीफ फरमा है और एक ज़माने तक उर्दू मजलिस के प्रोड्यूसर और इंचार्ज रहे यहाँ, और उन्होंने अपनी नज़मों से और गज़लों से गरमाया माहौल को। उनकी साहबजादी मोहतरमा शबाना सरोज, जो अब शबाना नज़ीर हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुलबुली खाने से शोभा से आपका ताल्लुक है। शबाना नजीर खिजा से फूल अंधेरों से रोशनी चाहिए, खिजा से फूल अंधेरों से रोशनी चाहिए, न जाने आज ये क्या दिल की बेकनी चाहिए। खिजा से फूल अंधेरों से रोशनी चाहिए, न जाने आज ये क्या दिल की बेकनी चाहिए। नए चराग नई बज़्म सरखुशी चाहिए, नए चराग नई बज़्म सरखुशी चाहिए। हमारा दौर नई फिक्र आगही चाहिए। मेरे ख्याल मेरे दर्द की हर एक तस्वीर गुलाब रंग सवेरों से ताजगी चाहिए। मेरे ख्याल मेरे दर्द की हर एक तस्वीर गुलाब रंग सवेरों से ताजगी चाहिए। तमाम उम्र जो पामाल शौक हो के जिया, तमाम उम्र जो पामाल शौक हो के जिया, वो जर्रा आज सितारों की ताजगी चाहिए, वो जर्रा आज सितारों की दिलकशी चाहिए। शेर यादव फरमाइए, डरा डरा सा है गर्दिश से वक्त की लेकिन, डरा डरा सा है गर्दिश से वक्त की लेकिन, बदल दे वक्त की गर्दिश अगर आदमी चाहिए। डरा डरा सा है गर्दिश से वक्त की लेकिन, बदल दे वक्त की गर्दिश अगर आदमी चाहे। अभी कुछ और जलाओ शबाना अपने जिगर, अभी कुछ और जलाओ शबाना अपने जिगर, कुछ और सोजे दिल रूही शायरी चाहे। खिजा से फूल अंधेरों की रोशनी चाहे, न जाने आज ये क्या दिल की बेकरी चाहे। कर रहा हूं जनाब खालिद महमूद, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल जामिया नगर के दोस्ताद हैं, रहमत फरमाएं और अपना कलाम अदा करें। जनाब खालिद महमूद, आंखों में धूप दिल में हरारत लहू की थी, आंखों में धूप दिल में हरारत लहू की थी, आतिश जवान था तो कयामत लहू की थी। आंखों में धूप दिल में हरारत लहू की थी, आतिश जवान था तो कयामत लहू की थी। जख्मी हुआ बदन तो वतन याद आ गया, जख्मी हुआ बदन तो वतन याद आ गया, अपनी गिरह में एक रिवायत लहू की थी। जख्मी हुआ बदन तो वतन याद आ गया, अपनी गिरह में एक रिवायत लहू की थी। खंजर चला के मुझ पे बहुत गमजदा हुआ, खंजर चला के मुझ पे बहुत गमजदा हुआ, भाई के हर सलूक में शिद्दत लहू की थी। खंजर चला के मुझ पे बहुत गमजदा हुआ, भाई के हर सलूक में शिद्दत लहू की थी। और कोहे गिरा के सामने तेशे की क्या दिशा, कोहे गिरा के सामने
पेशे की क्या विसात, अहदे जुनू में सारी शरारत दहू की थी। कोहे गिरा के सामने पेशे की क्या विसात, अहदे जुनू में सारी शरारत लहू की थी। खालिद हर एक गम में बराबर शरीफ था, सारे जहां के बीच रिफाकत लहू की थी। सुखन देता मेरे चेहरे पे न थी इतनी खराशें यारो, मेरे चेहरे पे न थी इतनी खराशें यारो, तुमने टूटा हुआ आईना दिखाया है मुझे। मैं जनाब शमी उस्मानी उस्ताद सीनियर करता हूँ, वजामत फरमाए और अपना कलाम आपके सामने पेश। गजल का मतलब लायदा फरमाए। पतले नाहक से मेरे कातिल को क्या मिल जाएगा, पतले नाहक से मेरे कातिल को क्या मिल जाएगा, चंद झूठे वारिसों को खून बहा मिल जाएगा। पतले नाहक से मेरे कातिल को क्या मिल जाएगा, चंद झूठे वारिसों को खून बहा मिल जाएगा, चंद झूठे वारिसों को खून बहा मिल जाएगा। और फिर अजनबी बस्ती में कोई खौफ है तो बस यही, अजनबी बस्ती में कोई खौफ है तो बस यही, अजनबी बस्ती में कोई खौफ है तो बस यही, एक दिन इसमें भी कोई आशना मिल जाएगा, एक दिन इसमें भी कोई आशना मिल जाएगा। और जब हुजूम में कम सवादा से अलग हो जाओगे, जब हुजूम में कम सवादा से अलग हो जाओगे, फिर कोई मुश्किल नहीं मेरा पता मिल जाएगा। जब हुजूम में कम सवादा से अलग हो जाओगे, फिर कोई मुश्किल नहीं मेरा पता मिल जाएगा। और चढ़ते सूरज की परस्तिश खत्म जिस दिन हो गई, चढ़ते सूरज की परस्तिश खत्म जिस दिन हो गई, हर अंधेरे घर को मिट्टी का दिया मिल जाएगा। चढ़ते सूरज की परस्तिश खत्म जिस दिन हो गई, हर अंधेरे घर को मिट्टी का दिया मिल जाएगा। और शेर अर्ज करता हूँ, काश बच्चों की तरह हमको भी ये होता यकीन, काश बच्चों की तरह हमको भी ये होता यकीन, जो खिलौना टूट जाएगा नया मिल जाएगा। काश बच्चों की तरह हमको भी ये होता यकीन, जो खिलौना टूट जाएगा नया मिल जाएगा। और जहर पीकर मुस्कुराना जुर्म है जुर्रत नहीं, जहर पीकर मुस्कुराना जुर्म है जुर्रत नहीं, इस तरह कातिल को उजरे ना सजा मिल जाएगा। जहर पीकर मुस्कुराना जुर्म है जुर्रत नहीं, इस तरह कातिल को उजरे ना सजा मिल जाएगा। और जोश दरिया जोर तूफान सब भरे रह जाएंगे, जोश दरिया जोर तूफान सब भरे रह जाएंगे, सोहनी को जब कोई कच्चा घड़ा मिल जाएगा। जोश दरिया जोर तूफान सब भरे रह जाएंगे, सोहनी को जब कोई कच्चा घड़ा मिल जाएगा। और किसकी खातिर, किसकी खातिर कर रहा हूँ खुद को अपने से जुदा, किसकी खातिर कर रहा हूँ खुद को अपने से जुदा, कौन इस दुनिया में अपने से जुदा मिल जाएगा। किसकी खातिर कर रहा हूँ खुद को अपने से जुदा, कौन इस दुनिया में अपने से जुदा मिल जाएगा। और मक्ता पेश खिदमत है, खुशगुमानी थी ये पहले अब ये ईमा है शमीम, खुशगुमानी थी ये पहले अब ये ईमा है शमीम,
जुस्तजू अपनी करेंगे और खुदा मिल जाएगा। खुशगुमानी थी ये पहले, अब ये ईमा है शमी। जुस्तजू अपनी करेंगे और खुदा मिल जाएगा। कत्ल नाहक से मेरे कातिल को क्या मिल जाएगा। चंद झूठे वारिसों को खूबहा मिल जाएगा। जोश दरिया जोर तूफान सब खड़े रह जाएंगे। जोश दरिया जोर तूफान सब खड़े रह जाएंगे। सोहनी को जब कोई कच्चा घड़ा मिल जाएगा। काश बच्चों की तरह हमको भी ये होता यकीन, जो खिलौना टूट जाएगा नया मिल जाएगा। चढ़ते सूरज की परस्तिश खत्म जिस दिन हो गई, हर अंधेरे घर को बिजली का दिया मिल जाएगा। जनाब शमी उस्मानी साहब के शानदार और पाकीज़ा कलाम के बाद मैं अब दावत सुखन दे रहा हूँ जनाब नासिर नकवी को, जिनका बुनियादी तौर पर तो ताल्लुक दरस तदरीस से रहा है, लेकिन आजकल वो वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टाफ से मुताल हैं। हाजिर कर रहा हूँ जनाब नासिर नकवी। एक शेर समाप्त करें कि बच्चे मट्टी के सिपाही से बहलते ही नहीं, बच्चे मट्टी के सिपाही से बहलते ही नहीं, असलहे बेचने निकला है खिलौने वाला। असलहे बेचने निकला है खिलौने वाला। तशनगी के मौजू पर दो तीन शहर के वफा की राह में दिल का सिपास रख दूंगा। वफा की राह में दिल का सिपास रख दूंगा। मैं हर नदी के किनारे पर प्यास रख दूंगा। शेर देखेंगे, करेगी तश्ना लबी फैसले सदाकत के, झुलसते खेमे तराई के पास रख दूंगा। करेगी तश्ना लबी फैसले सदाकत के, झुलसते खेमे तराई के पास रख दूंगा। हो सके तुझसे तो तू सबसे बनाकर रखना। हो सके तुझसे तो तू सबसे बनाकर रखना। राज भी पाले किसी का तो छुपा कर रखना। राज भी पाले किसी का तो छुपा कर रखना। और बतौर खास इसे देखें कि एक उम्मीद है जो सच को भी झुठलाती है। एक उम्मीद है जो सच को भी झुठलाती है। एक आदत सी है कमरे को सजा कर रखना। एक उम्मीद है जो सच को भी झुठलाती है। एक आदत सी है कमरे को सजा कर रखना। और जाने कब कौन से लम्हे में जरूरत पड़ जाए। जाने कब कौन से लम्हे में जरूरत पड़ जाए। तुम हमारे लिए पहले से दुआ कर रखना। जाने कब कौन से लम्हे में जरूरत पड़ जाए। तुम हमारे लिए पहले से दुआ कर रखना। तुम हमारे लिए पहले से दुआ कर रखना। और आखिरी से हाजिर कर रहा हूँ कि बदगुमानी बड़ी पुरकार हुआ करती है। बदगुमानी बड़ी पुरकार हुआ करती है। अपना सर अपने ही पत्थर से बचा कर रखना। जनाब नासिर नकवी अपना कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं दावा देता हूँ गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के उस्ताद, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो चराग इनक्लेव में है, जनाब दलीप बादल से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। जनाब दलीप बादल।
मतला गजल का मतला करता हूँ। हाल में जोशे जनू में क्या से क्या कहना पड़ा, हाल में जोशे जनू में क्या से क्या कहना पड़ा, जाम को तकदीर साथी को खुदा कहना पड़ा। हाल में जोशे जनू में क्या से क्या कहना पड़ा, जान को तब्दील साथी को खुदा कहना पड़ा। दिल के हाथों जब मुझे मजबूर हो जाना पड़ा, दिल के हाथों जब मुझे मजबूर हो जाना पड़ा, बारहा उस राह से आना पड़ा जाना पड़ा। दिल के हाथों जब मुझे मजबूर हो जाना पड़ा, बारहा उस राह से आना पड़ा जाना पड़ा। दिल की मजबूरी थी या पासे मोहब्बत का ख्याल, उनके हर जोरो कदम को भी वफा कहना पड़ा। बेकसों की बेकसी पर लोग तो हंसते रहे, बेकसों की बेकसी पर लोग तो हंसते रहे, मुझको उनकी बेबसी को आसरा कहना पड़ा। इसलिए कि तंगे हालात के पेशे नजर अक्सर मुझे, तंगे हालात के पेशे नजर अक्सर मुझे, मसरहत से हर बशर को ये खुदा कहना पड़ा। और हजरत देखिए, जब शराब नोशी होती है तो आवाज़ हमजा पाँच हैं, चार उसका मुख लेते हैं, और ये हमारे दोस्त हैं जो बेचारे महरूम हैं। काम ही रह जाए क्यों महरूम आवाज रखना, काम ही रह जाए क्यों महरूम आवाज रखना, ये समझकर हमको बादल जान रखा है। दरखास्त करूंगा कि वो अपना कलाम आपके सामने रखें। जनाब अनवर उद्दीन का कलाम आला के सदर पर तेरे चंद शायर लाते फरमाए। अच्छा, कि कैसा दौर है गुलशन से वीरानी नहीं जाती, ये इश्क देर से शोला अफशानी नहीं जाती। ये कैसा दौर है गुलशन से वीरानी नहीं जाती, अविश्व आतिश कदे से शोला शानी नहीं जाती। गरीबा चार हैं गुल हो गया ये हाल गुलशन का, गरीबा चार हैं गुल हो गया ये हाल गुलशन का, कि अब सूरज किसी गुंचे की पहचानी है। गरीबा चार हैं गुल हो गया ये हाल गुलशन का, के अब सूरत किसी गुंचे की पहचानी नहीं जाती। शेर मुराद फरमाएं, लहू इंसान का बहता है अजाइम है बुलंदी पर, लहू इंसान का बहता है अजाइम है बुलंदी पर, जुनू क्या है खिरद की फितना सामानी नहीं जाती। लहू इंसान का बहता है अजाइम है बुलंदी पर, जुनू क्या है खिरत की फितना सामानी नहीं जाती। जहाँ तहजीब रक्सा थी हुनर के फूल खिलते थे, जहाँ तहजीब रक्सा थी हुनर के फूल खिलते थे, उसी महफिल से अब अशकों की अरजानी नहीं, उसी महफिल से अब अशकों की अरजानी नहीं जाती। शेख मुराद फरमाए, विशेष तौर पर मजालिस रोज बरपा है, मजालिस रोज बरपा हैं कयामे हम की खातिर, मजालिस रोज बरपा हैं कयामे हम की खातिर, मगर दुनिया के चेहरे से परेशानी नहीं। मजालिस रोज बरपा हैं कयामे हम की खातिर, मगर दुनिया के चेहरे से परेशानी नहीं जाती। एक गजल के तीन शेर होगा। हर गांव पर चला किए उनके निशान के साथ, हर गांव पर चला किए उनके निशान के साथ, लेकिन दिमाग उनका रहा
आसमां के साथ, लेकिन दिमाग उन का रहा आसमां के साथ, यारान में कदाने तो रुस्वा किया बहुत, याराने मैं कदाने तो रुस्वा किया बहुत, लेकिन हयात गुजरी है फिर भी हयात गुजरी है हजमे जमा के साथ, फिर भी हयात गुजरी है हजमे जमा के साथ। सालारे काफला तो सियासत में खो गए, सालारे काफला तो सियासत में खो गए, अफसोस हम भटकते रहे कारवां, अफसोस हम भटकते रहे कारवां के साथ। तो ये शेर खुसूस पर मुरादा फरमाए, उनकी मुहाफिजत के सबब जिंदगी गई, उनकी मुहाफिजत के सबब जिंदगी गई, बस भूल ये हुई के रहे पासबां के साथ, बस भूल ये हुई के रहे पासबां के साथ। और दामन मुस्तफा से है अनवार रास्ता, दामन मुस्तफा से है अनवार रास्ता, ये सिलसिला बहुत है मेरी दास्तां के साथ। जनाब अनवार आपके सामने अपना कलाम पेश कर रहे थे, और मैं आपके एक जाने बूझे शायर, चूँकि असातजा में मौक़िफ़ नक़ाद नज़्म को गज़ल को और मुख्तलिफ़ असनाब अदब पर भरपूर नज़र रखने वाले मौजूद हैं, इन्हीं में एक मशहूर नक़ाद मौक़िफ़ और शायर जनाब डॉक्टर असलम परवेज, जिनका ताल्लुक मरकज़ हिंदुस्तानी ज़बानों का मरकज़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से है, वो वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से आजकल काम कर रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आपके सामने अपना कलाम पेश फरमाएं। डॉक्टर असलम परवेज। कोर चश्मों को ये असल में गजल है कि बारहा वादों की रातें आई हैं, ताले उन्हें सुबह कर दिखलाई हैं, तो इत्तेफाक से उसी रंगीन में थी, इनके रंग में नहीं है। कोर चश्मों को मिली दाराइयां, कोर चश्मों को मिली दाराइयां, हम लिए बैठे रहे बीनाइयां, हम लिए बैठे रहे बीनाइयां, और दिन में साए को तरसते रह गए, दिन में साए को तरसते रह गए, रात को डसने लगी परछाइयां, दिन में साए को तरसते रह गए, रात को डसने लगी परछाइयां, और बादलों में बिजलियों का कौंधना, बादलों में बिजलियों का कौंधना, जैसे बिस्तर में तेरी अंगड़ाइयां, बादलों में बिजलियों का कौंधना, जैसे बिस्तर में तेरी अंगड़ाइयां, और सूने पन से गांव के भागे थे हम, सूने पन से गांव के भागे थे हम, धो रहे हैं शहर में तन्हाइयां, सूने पन से गांव के भागे थे हम, धो रहे हैं शहर में तन्हाइयां, और शोहरतों की गर्म बाजारी की खैर, शोहरतों की गर्म बाजारी की खैर, बेच लीजिए अपनी सब रुसवाइयां, शोहरतों की गर्म बाजारी की खैर, बेच दीजिए अपनी सब रुसवाइयां, और उसके कदमों पर निछावर कीजिए, उसके कदमों पर निछावर कीजिए अपनी सारी नकवतें दानाई, उसके कदमों पर निछावर कीजिए अपनी सारी नकवतें दानाइयां, और अब अना की हिजरतों का वक्त है, अब अना की हिजरतों का वक्त है, दिल में घर करने लगी पछताइयां, अब अना की हिजरतों का वक्त है, दिल में घर करने लगी पछताइयां, और शहर के बाहर खड़ी है मुंतजिर, शहर के बाहर खड़ी है मुंतजिर, दर्द के रिश्ते लिए पुरवाइयां, शहर के बाहर खड़ी है मुंतजिर, दर्द के रिश्ते लिए पुरवाइयां, तुम न उठे लेके जख्मों की बरात, तुम न उठे लेके जख्मों की बरात, रुद बजाती रह गई शहनाइयां, तुम न उठे लेके जख्मों की बरात, रुद बजाती रह गई शहनाइयां, और पेट से हम अपने पत्थर बांधकर, पेट से हम अपने पत्थर बांधकर नजर करते हैं तुम्हें महंगाई, पेट से हम अपने पत्थर बांधकर
नजर करते हैं तुम्हें महंगाइयां और तंग गलियों में हमारे शहर की, तंग गलियों में हमारे शहर की कुछ घरों में है तंग गलियों में हमारे शहर की कुछ घरों में है अभी अंगनाइयां और कुछ तो हम मरते हैं उन पर वाकई, कुछ तो हम मरते हैं उन पर वाकई और कुछ है हाशिया आई, कुछ तो हम मरते हैं उन पर वाकई और कुछ है हाशिया आ रही है। और आखिरी शेर अर्ज है कि बन पड़े तो शेर भी कह लीजिए, बन पड़े तो शेर भी कह लीजिए, हो चुकी बस काफी पैमाई। जरा ये एक शेर पेश करते हुए मैं एक और शायर को सहमत दे रहा हूं, कोई अहले जनू समझे गाए जांबाज ये नगमे, कोई अहले जनू समझे गाए जांबाज ये नगमे कि अहले होश मेरे गीत कदरे कम समझते हैं। मैं जनाब जांबाज से अर्ज करूंगा कि वो अपनी जांबाजियां पेश फरमाएं। चार किस्से गीता का मुलाजा कीजिए, मेरे दामन में तेज कांटे हैं, मेरे दामन में तेज कांटे हैं, मैंने हमदम वो आप छानते हैं, मेरे दामन में तेज कांटे हैं, मैंने हमदम वो आप छानते हैं, दुख जमाने के ले लिए मैंने, सुख जमाने को मैंने बांटे। गजल का मतलब है दूर, ये नहीं नोके सना कुछ और है, ये नहीं नोके सना कुछ और है, बाए से आजारे जां कुछ और है, ये नहीं नोके सना कुछ और है, बाए से आजारे जां कुछ और है, जो निछावर हो वतन और कौम पर, जो निछावर हो वतन और कौम पर, वो हयाते जाविदा कुछ और है, जो निछावर हो वतन और कौम पर, वो हयाते जाविदा कुछ और है, रहबरों की दास्तां कुछ और थी, रहबरों की दास्तां कुछ और थी, कारवां की दास्तां कुछ और है, रहबरों की दास्तां कुछ और थी, कारवां की दास्तां कुछ और है। और शेर अर्ज कर रहा हूं दूर, तेरी फुरकत तेरी कुर्बत कुछ नहीं, तेरी फुरकत तेरी कुर्बत कुछ नहीं, रूह को राहत रसा कुछ और है, तेरी फुरकत तेरी कुर्बत कुछ नहीं, रूह को राहत रसा कुछ और है, कर नहीं सकती जबान जिसको अदा, कर नहीं सकती जबान जिसको अदा, बेजबानी की जबान कुछ और है, कर नहीं सकती जबान जिसको अदा, बेजबानी की जबान कुछ और है, जो मेरी आंखों से भूलकर बह गया, जो मेरी आंखों से भूलकर बह गया, वो नहीं राजे नेहा कुछ और है। और मक्ता दूर, बाए से तशहीर थी जांबाज जो, बाए से तशहीर थी जांबाज जो, वो अधूरी दास्तां कुछ और है। अब मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ एक ऐसे बुजुर्ग शायर को सहमत दे रहा हूँ जिसका रंग और आहंग और जिसका मिजाज और जिसकी शायरी बिल्कुल मुख्तलिफ हम की है। मैं ये शेर आपके सामने पेश कर रहा हूँ और आप खुद समझ जाएंगे और फिर मैं चाहूँगा कि वो शायर तशरीफ लाएं और रंग महफिल बदलें। दर्द तो अपनी कमाई का हुआ करता है, दर्द तो अपनी कमाई का हुआ करता है, बाप का माल है खा खा के डकारो यार। मैं मोहतरम शिमला यूसुफ पापा से दरख्वास्त करूंगा कि उनके
जिनका कलाम और जिनकी जात और शख्सियत पर उनका तारुफ है, वो पहले भी योम आजादी के मुशायरे में तशरीफ ला चुके हैं। दर्द तो अपनी कमाई का हुआ करता है, बाप का माल है खा खा के डकारो यारो, जनाब यूसुफ पाक है। तुमने जाना ही नहीं दर्द जिगर क्या चीज है, तुमने जाना ही नहीं दर्द जिगर क्या चीज है, और दिल का आ जाना किसी के मर्द पर क्या चीज है। तुमने जाना ही नहीं दर्द जिगर क्या चीज है, दिल का आ जाना किसी के मर्द पर क्या चीज है, और घर गिराने की शिकायत पर ये हाकिम ने कहा, घर गिराने की शिकायत पर ये हाकिम ने कहा कि हम गिरा देते हैं घर वालों को, घर क्या चीज है। घर गिराने की शिकायत पर ये हाकिम ने कहा कि हम गिरा देते हैं घर वालों को, घर क्या चीज है, अब आप तन्हाई में मिल जाए तो हो जाए आया, आप तन्हाई में मिल जाए तो हो जाए आया, कि बाखबर कहते हैं किसको बेखबर क्या चीज है, बेखबर क्या चीज है, कि आप तन्हाई में मिल जाए तो हो जाए आया, बाखबर कहते हैं कि इसको बेखबर क्या चीज है, और इस अंधेरे में ये कैसी खरखराहट है मिया, इस अंधेरे में ये कैसी खरखराहट है मिया, और चारपाई के इधर मैं हूं उधर क्या चीज है। आजकल फादर है क्या और ये मदर क्या चीज है, डला लगे हैं मुझे, और ये सखी
तेरी नंद का दूल्हा, ये सखी तेरी नंद का दूल्हा बहुदा बावला लगे, तेरी नंद का दूल्हा बहुदा बावला लगे है तुझे। और लड़की लड़के को क्या कहे पापा, लड़की लड़के को क्या कहे पापा, और लली भी लला लगे है। भी उर्दू खिदमात पर शेर व अदब से मुताल्लिक खिदमात पर मिला है, वो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर के तौर पर आजकल पेश फरमाए जनाब बलराज कोमल। ये नज़्म मेरी और आपकी है, इसमें एक किताब बच्चे का है और दूसरा मेरा है, यानी आप सबका। नज़्म है कि शह सवार नन्ना मुन्ना शह सवार, ईश तादा है कमीदा पुष्ट पर मेरी, जू ही रुकता हूँ वो तरगीब देता है मुझे चलने की आवाज़ों की सरगम से, मैं चलता हूँ मैं वामादा कदम चलता हूँ, वो मैमीज की जुम्बश से कहता है कि दौड़ो और दौड़ो, तेज तर सर पर चलो, वादे नगमाकार से बातें करो। शह सवार नन्ना मुन्ना शह सवार, ईद सादा है कमीजा पुष्ट पर मेरी, यूं ही रुकता हूँ वो तरगीब देता है मुझे चलने की आवाज़ों की सरगम से, मैं चलता हूँ मैं वामादा कदम चलता हूँ, वो महवीज की जुम्बश से कहता है कि दौड़ो और दौड़ो, तेज तर सर पर चलो, वादे नगमा कार से बातें करो। उसका मैं रक्षे रजा तेज तर करता हूँ रफ्तार खराम, मुझको पहुँचाना है आज उसको रंगों तितलियों के देश में, जादू नगर में मेरे साये का भी अब शायद जहाँ मुंतजर कोई नहीं, मुंतजर है उसके लेकिन मेरे नन्हे दोस्त के, देव कामत सब वारस्ता विकार दूर तक सरगोशियाँ करते हुए अख्तियार, रखते बर्गोबार जा रहा है खाक की रफ्तार से दीवाना वार, मेरा नन्ना शह सवार शह सवार, मेरा नन्ना शह सवार। जरा मैं सूरत के शहर के शायर, जो सिर्फ शायरी नहीं नक्काश मौक़िफ़ ड्रामा निगार और बहुत कुछ है अपनी जगह, खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के उस्ताद जनाब शहाब जाफरी से दरख्वास्त करूँगा कि वो ज़हमत फरमाएँ और अपना कलाम आपके सामने पेश करें। जनाब शहाब जाफरी, गजल पेश खिदमत है। गालिब का मशहूर शेर है जिससे ये मतला, गालिब का शेर है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम जा रहा, हमने दश्त का को एक नक्श पाता है, मतलब पैदा हो कैसे इनका से तमन्ना की गमी छूट गई, कैद इनका से तमन्ना की गमी छूट गई, पांव हमने जब उठाया तो जमीन छूट गई, कैद इनका से तमन्ना की गमी छूट गई, पांव हमने जब उठाया तो जमीन छूट गई। वैदा हो लिए जाता है खलाओं में जमाले शब रोज, लिए जाता है खलाओं में जमाले शब रोज, और दिन कहीं छूट गया रात कहीं छूट गया, लिए जाता है खलाओं में जमाले शब रोज, और दिन कहीं छूट गया रात कहीं छूट गई। मेरे सूरज मेरे हमदम मेरी मंजिल तो बता, मेरे सूरज मेरे हमदम मेरी मंजिल तो बता,
तेरे आफाक तक आने में जमीन छूट मेरे सूरज मेरे हमदम मेरी मंजिल तो बता तेरे आफाक तक आने में जमीन छूट अब मुसाफिर हूँ कहाँ का मुझे मालूम नहीं अब मुसाफिर हूँ कहाँ का मुझे मालूम नहीं हाँ बस इतना तेरी चौखट से जमीन छूट अब मुसाफिर हूँ कहाँ का मुझे मालूम नहीं हाँ बस इतना तेरी चौखट से जमीन छूट गई लादा हो मैं बटोही मेरे पास और तो क्या था बटमार मैं बटोही मेरे पास और तो क्या था बटमार पाँव में धूल थी आंगन की वहीं छूट मैं बटोही मेरे पास और तो क्या था बटमार मैं बटोही मेरे पास और तो क्या था बटमार पाँव में धूल थी आंगन की वहीं छूट गई पाँव में धूल थी आंगन की वहीं छूट गई उलझे उलझे से जो हम फिरते हैं अब शहर बशहर उलझे उलझे से जो हम फिरते हैं अब शहर बशहर दिल नवाजी सी कोई शय थी कहीं छूट गई दिल नवाजी सी कोई शय थी उलझे उलझे से जो हम फिरते हैं अब शहर बशहर दिल नवाजी सी कोई शय थी कहीं छूट गई और जिंदगी क्या थी मैं एक मौज के पीछे था रमा जिंदगी क्या थी मैं एक मौज के पीछे था रमा और वो मौज के साहिल के करीब और वो मौज के साहिल के करीब छूट जिंदगी क्या थी मैं एक मौज के पीछे था रमा और वो मौज के साहिल के करीब छूट घर जो लौटे भी सरे शाम तो कुछ पास न था घर जो लौटे भी सरे शाम तो कुछ पास न था दिल से परछाई मिली थी सो कहीं छूट दिल से परछाई मिली थी सो कहीं छूट गई भूत बाश अपनी न पूछो कि इसी शहर में हम भूत बाश अपनी न पूछो कि इसी शहर में हम गांव की सादगी लाए थे यहीं छूट गांव की सादगी लाए थे यहीं छूट गई भूतबाश अपनी न पूछो के इसी शहर में हम गांव की सादगी लाए थे यहीं छूट गई और दिल से दुनिया तक एक ऐसा ही सफर था जिसमें दिल से दुनिया तक एक ऐसा ही सफर था जिसमें कहीं दिल और कहीं दुनियाए हसीं छूट गई कहीं दिल और कहीं दुनियाए हसीं छूट गई कैद इल्का से तमन्ना की गमी छूट गई पांव हमने जब उठाया तो जमीन छूट गई जनाब शाह जाफी के इस कलाम के बाद मैं जिस शायर को जहमत दे रहा हूँ वो भी मशहूर नकाद महक्क शायर और नज्म व गज़ल दोनों पर कादिर शायर प्रोफेसर शमीम हनफी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से जिनका ताल्लुक है मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो ज़हमत फरमाएँ और आपके सामने अपना कलाम पेश करें प्रोफेसर शमीम हनफी जामिया मिल्लिया इस्लामिया कुंजे कफस को जिस्म का इल्जाम भी न दे कुंजे कफस को जिस्म का इल्जाम भी न दे मैं बेहिसाब हूँ तो मुझे नाम भी कुंजे कफस को जिस्म का इल्जाम भी न दे मैं बेहिसाब हूँ तो मुझे नाम भी न दे तू भी दया रे दीदे हैरान डूब जा तू भी दया रे दीदे हैरान
डूब जा, मुझको मेरी तलाश का इनाम भी। तू भी दयारे दीदे हैरान, डूब जा मुझको मेरी तलाश का इनाम भी न दे। दुनिया यही कहेगी के लफ्जों का अहद है, दुनिया यही कहेगी के लफ्जों का अहद है, हर दास्तां को लज्जते अंजाम भी न दे। दुनिया यही कहेगी के लफ्जों का अहद है, हर दास्तां को लज्जते अंजाम भी न दे। आखिश है किसको पता चलेगा कि एक दिन गुजर गया, किसको पता चलेगा कि एक दिन गुजर गया, दस्तक सराए दिल पे अगर शाम किसको पता चलेगा कि एक दिन गुजर गया, किसको पता चलेगा कि एक दिन गुजर गया, दस्तक सराए दिल पे अगर शाम भी न दे। एक हर कहानी एक हरफे रायना तक जाएगी, हर कहानी एक हरफे रायना तक जाएगी, जिंदगी मालूम है सबको कहां तक जाएगी। हर कहानी एक हरफे रायना तक जाएगी, जिंदगी मालूम है सबको कहां तक जाएगी। एक दिन मिसमार हो जाएंगी आवाजें तमाम, एक दिन मिसमार हो जाएंगी आवाजें तमाम, एक दिन हर बात एहसासे ज़ियां तक जाएगी, एक दिन हर बात एहसासे ज़ियां तक जाएगी, रेगे सहरा को हरारत दे हवा को इज़्तिराब, रेगे सहरा को हरारत दे हवा को इज़्तिराब, एक दिन हर मौज तेरे आस्था तक जाएगी, रेगे सहरा को हरारत दे हवा को इज़्तिराब, एक दिन हर मौज इस तेरे आस्था तक जाएगी। मैं भी खो जाऊंगा आखिर आंसुओं के सैल में, मैं भी खो जाऊंगा आखिर आंसुओं के सैल में, ये अंधेरी शाम जब कोहे गरा तक जाएगी। ऐ खुदा उस मिशले गुमगश्ता को महफूज रख, ऐ खुदा उस मिशले गुमगश्ता को महफूज रख, रोशनी उसकी मेरे नामों निशान तक जाएगी। मुंजमिद आंखें खला की धुन से देखे मुझे, मुंजमिद आंखें खला की धुन से देखे मुझे, ये सदा बरसों जमीन से आसमां तक जाएगी। मुंजमिद आंखें खला की धुन से देखे मुझे, ये सदा बरसों जमीन से आसमां तक जाएगी। ऐ फना की लहर वो नीला किनारा दूर है, ऐ फना की लहर वो नीला किनारा दूर है, फिर भी तेरे साथ जाऊंगा जहां तक जाएगी हर कहानी। ऐ फना की लहर वो नीला किनारा दूर है, फिर भी तेरे साथ जाऊंगा जहां तक जाएगी हर कहानी, एक हरफे रायना तक जाएगी, जिंदगी मालूम है सबको। शुक्रिया। रात में मुशायरा जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज किया था कि इस एतबार से बड़ा खुशकस्मत है और ये सामने जो तशरीफ रखते हैं कि वो उन असातिज़ा को समाज फरमा रहे हैं और सुनेंगे कि जिन्हें आम मुशायरों में सुनने का आपको मौका नहीं मिलता होगा, क्योंकि वो आम मुशायरों में जाने के आदी नहीं है। वो अपनी यूनिवर्सिटियों में, इदारों में, दरसगाहों में तहकीकी, तनकीदी, तकनीकी, तसनीफी काम में इतने मसरूफ़ रहते हैं कि पूरी यूनिवर्सिटियाँ उनसे इस्तेफादा कर रहे हैं। तो इस एतबार से मैं जिन शुरा को अब जहमत दे रहा हूँ, मैं ये महसूस करता हूँ कि इस एतबार से ये मुशायरा और यौम असातिज़ा बड़ा यादगार और कामयाब है। अब मैं और दयाल सिंह कॉलेज शबीना के उस्ताद, जिनका तसनीफी, तहकीकी और तखलीकी बहुत बड़ा काम है जो शाये हो चुका है, जनाब डॉक्टर शारी रदौलवी, वो जहमत फरमाएँ और आपके सामने अपना कलाम पेश करें। नज़्म और गज़ल दोनों पर वो कायम रहे।
ये भजन के जमशेर की शरह। शिनासा यूं तो सब चेहरे बहुत हैं, शिनासा यूं तो सब चेहरे बहुत हैं, मगर मिलने में अंदेशे बहुत हैं। यूं तो सब चेहरे बहुत हैं, शिनासा यूं तो सब चेहरे बहुत हैं, मगर मिलने में अंदेशे बहुत हैं, मगर मिलने में अंदेशे बहुत हैं। सजा लब खोलने की भी मिली है, सजा लब खोलने की भी मिली है, खामोशी में भी दुख झेले बहुत हैं। सजा लब खोलने की भी मिली है, सजा लब खोलने की भी मिली है, खामोशी में भी दुख झेले बहुत हैं, खामोशी में भी दुख झेले बहुत हैं। कोई भी लिख न पाया था जो दिल में, कोई भी लिख न पाया था जो दिल में, हर एक ने लफ्ज़ वो लिखे बहुत हैं, हर एक ने लफ्ज़ वो लिखे बहुत हैं, हैं सारे रास्ते मसदूद लेकिन, हैं सारे रास्ते मसदूद लेकिन, हर एक जानिब को दरवाजे बहुत हैं, हैं सारे रास्ते मसदूद लेकिन, हैं सारे रास्ते मसदूद लेकिन, हर एक जानिब को दरवाजे बहुत हैं। शेर लगी, वही एक बात जो सबसे छुपाई, वही एक बात जो सबसे छुपाई, उसी के हर जगह चर्चे बहुत हैं, वही एक बात जो सबसे छुपाई, उसी के हर जगह चर्चे बहुत हैं। ये इसका नाम लगा कीजिएगा। हमें जाने से फिर क्यों रोकते हो, हमें जाने से फिर क्यों रोकते हो, अगर इस शहर में हमसे बहुत हैं, हमें जाने से फिर क्यों रोकते हो, हमें जाने से फिर क्यों रोकते हो, अगर इस शहर में हमसे बहुत हैं। शिनासा यूं तो सब चेहरे बहुत हैं, मगर मिलने में अंदेशे बहुत हैं। अब मैं जहमत सुखन दे रहा हूँ एक उस शायर को कि जो अपने रिसर्च के और तसनीफ़ तालीफ के मैदान में तो मुनफरिद है ही, लेकिन कई जबानों पर बरवक्त उनकी गहरी नज़र है और वो उसमें कहते हैं और बहुत खूब कहते हैं। उनका एक शेर आप समाप्त फरमाएं और मिजाज से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि मैं जिनको दावत दे रहा हूँ। कुछ यही हालत है अपनी रज़्म गाहे ज़िस्त में, कुछ यही हालत है अपनी रज़्म गाहे ज़िस्त में, जख्म खाके जैसे गिर जाए सिपाही रन के बीच। मेरी दरख्वास्त है जनाब सैयद ग़ुलाम समनानी से, जिनका ताल्लुक दिल्ली कॉलेज यानी ज़ाकिर हुसैन कॉलेज के शोबा है इंग्लिश से है, और वो शबीना जो शिफ्ट है उससे ताल्लुक निकला है। जनाब सैयद ग़ुलाम समनानी। है ये वो दौर के तूफान को विसाजन कहिए, है ये वो दौर के तूफान को भी साहिल कहिए, आ पड़े गर कोई मुश्किल तो न मुश्किल कहिए, आ पड़े गर कोई मुश्किल तो न मुश्किल कहिए। जोर से पढ़िए सर। है ये वो दौर
कि तूफान को भी साहिल कहिए, आ पड़े अगर कोई मुश्किल तो न मुश्किल कहिए। इस कदर फितने बका क्यों हैं मेरे कत्ल के बाद, इस कदर फितने बका क्यों हैं मेरे कत्ल के बाद। बात यूं है किसी कातिल को न कातिल कहिए, किसी कातिल को न कातिल कहिए। इस कदर फितने बका क्यों हैं मेरे कत्ल के बाद। हक का एहसास ही काफ़ी नहीं ऐ शेख ज़मां, हक का एहसास ही काफ़ी नहीं ऐ शेख ज़मां। हक को हक कहिए तो बातिल को भी बातिल कहिए, हक को हक कहिए तो बातिल को भी बातिल कहिए। शाख टूटे तो उसे कहिए शकस्ते उम्मीद, शाख टूटे तो उसे कहिए शकस्ते उम्मीद। कोई भी शम्मा मुझे उसको मेरा दिल कहिए, कोई भी शम्मा मुझे उसको मेरा दिल कहिए। है ये वो दौर कि तूफान को भी साहिल कहिए, आ पड़े अगर कोई मुश्किल अब मैं एक मशहूर और मारूफ शायरा जिन्हें आपने बारहा सुना है और आपने बारहा पसंद किया है उनका कलाम, उनका उनकी शायरी मोहतरमा मसूदा हयात साहिबा से दरख्वास्त करूँगा, जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जीनत महल से है, कि वो ज़हमत फरमाएँ और अपना कलाम आपके सामने पेश करें। मोहतरमा मसूदा हयात, गाँव में था अजब मंजर, गाँव
जो हो इजाजत तो मैं ये पूछूं साहब का अंजाम शाम क्यों है। मेरी आंखों में बंदों को साहब की उम्मीद देने वाले, जो हो इजाजत तो मैं ये पूछूं साहब का अंजाम शाम क्यों है। कभी जो पल भर को लब हंसे हैं तो पहरों रोती रही हैं आंखें, कभी जो पल भर को लब हंसे हैं तो पहरों रोती रही हैं आंखें। मेरे खुदा सख्तीर इतना तेरे जहां का निजाम। ये मुकर्रर था एक उसकी नब्ज का आलम और नफस का जीरो बम, उसकी नब्ज का आलम और नफस का जीरो बम, रह के उसकी बाली पर हमने रात भर देखा। नब्ज धीमी धीमी थी, सुस्त रो तनफुस था, और ऐसा लगता था जैसे उसके सीने में मौजे ज़ीस्त उठ उठ कर तह में बैठ जाती है, और ऐसा लगता था जैसे उसके सीने में मौजे ज़ीस्त उठ उठ कर तह में बैठ जाती हो, जैसे उसके पैकर में रूह कसम खाती हो, जैसे उसके पैकर में एक दूसरे से जब कोई बात करता था लब से निकली सरगोशी टूट टूट जाती थी, एक दूसरे से जब कोई बात करता था लब से निकली सरगोशी टूट टूट जाती थी। लोग उसके कमरे में इस तरह से चलते थे जैसे अपनी कुव्वत भी उसकी नजर कर दी हो, ताकि वो संभल जाए और ये वक्त टल जाए। लोग उसके कमरे में इस तरह से चलते थे जैसे अपनी कुव्वत भी उसकी नजर कर दी हो, ताकि वो समझ जाए और ये वक्त टल जाए। खुशगवार उम्मीदें वसवसे मिटाती थी, खुशगवार उम्मीदें वसवसे मिटाती थी, और दिल के अंदेशे नाउमैद करते थे। खुशगवार उम्मीदें वसवसे मिटाती थी, और दिल के अंदेशे नाउमैद करते थे। उसकी नींद को हम सब उसकी मौत समझे थे, उसकी नींद को हम सब उसकी मौत समझे थे, और जब हकीकत में उसको मौत आई थी उसके चाहने वाले देर तक यही समझे, रात भर की बेचैनी चैन पा गई होगी, थक के अब सहर होते नींद आ गई। उसके चाहने वाले देर तक यही समझे, रात भर की बेचैनी चैन पा गई होगी, थक के अब सहर होते नींद आ गई होगी। गम की धुंध में लिपटी वो सहर जब आई थी, तुंदो सर्दो नम मौसम अपने साथ लाई थी, और फिर उसी लम्हे उसकी सरगरा पलकें बंद हो गई खुद ही, जैसे उसकी आंखों में और कोई मंजर हो और सुबह हो कोई और कोई खाबर। हजरत, अब मैं आपके एक ऐसे पसंदीदा शायर को पेश कर रहा हूँ जिन्हें आपने, जी हाँ, जनाब मुशीर के बारे में सुना। हजरत मुशीर की ज़ात, उनकी शख्सियत, उनका कलाम किसी तारुफ और तारीफ का मोहताज नहीं है। उनका ताल्लुक जिस दरसगाह से है वो फतेहपुरी मुस्लिम सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। उन्होंने कई नस्लों की तरबियत की। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपना कलामी बलागत। ताला गजल के चंद शेर हसरत मोहानी की जमीन में हसरत के पेश नजर मैंने इस गजल में कुछ ऐसे शेर भी रखे हैं जो खालिश गजल का मिजाज रखते हैं और कुछ इस जमाने की बातें हैं। मुलाज़ फरमाएं
मतलब पेश कर रहा हूँ कि मक्तल बनी हुई है तेरी अंजुमन तमाम, मक्तल बनी हुई है तेरी अंजुमन तमाम, फिर भी नहीं है किस्से दारो रसल, मक्तल बनी हुई है तेरी अंजुमन तमाम, फिर भी नहीं है किस्से दारो रसल तमाम। अर्ज करता हूँ कि कांटों को मिल गई है गुले तर की हर अदा, कांटों को मिल गई है गुले तर की हर अदा, फूलों से छिन गया है मगर बाखन का, कांटों को मिल गई है गुले तर की हर अदा, कांटों को मिल गई है गुले तर की हर अदा, फूलों से छिन गया है मगर बालपन तमाम। और ये शेर भी मुराद फरमाए, अर्ज करता हूँ कि हर नक्शे जिंदगी है तमद्दुन लिए हुए, हर नक्शे जिंदगी है तमद्दुन लिए हुए, हरगिज न मिट सकेंगे नकूशे कोहन तमाम, हरगिज न मिट सकेंगे नकूशे कोहन तमाम, हर नक्शे जिंदगी है तमद्दुन लिए हुए, हरगिज न मिट सकेंगे नकूशे कोहन तमाम। और ये शेर खास तौर पर मुलाक फरमाए, अर्ज करता हूँ कि नाफूस की सदा को अजां कह गया था मैं, नाकूस की सदा को अजां कह गया था मैं, इतनी सी बात पर है खपा बिरहमन, नाकूस की सदा को अजां कह गया था मैं, को अजां कह गया था मैं, नाकूस की सदा को अजां कह गया था मैं, इतनी सी बात पर है खपा बिरहमन तमाम, नाकूस की सदा को अजां कह गया था मैं, इतनी सी बात पर है खपा बिरहमन तमाम। और ये शेर भी खास तौर पर मुराद फरमाए भाई कृपा काश के लिए, अर्ज करता हूँ कि घर में भी अब चराग संभल कर दिया, अब चराग संभल कर जला लिए, बारूद बन चुकी है पलाए तमाम। अब चंद शेर खालिद गजल की जमीन में है, बारह अर्ज करता हूँ, ये भी शेर मुराद फरमाए कि लूटा गया हूँ राह मोहब्बत में इस कदर, लूटा गया हूँ राह मोहब्बत में इस कदर, पहचानने लगे हैं मुझे राहगत, टूटा गया हूँ राह मोहब्बत में इस कदर, पहचानने लगे हैं मुझे राहगत, लूटा गया हूँ राह मोहब्बत में इस कदर, पहचानने लगे हैं मुझे राहगत तमाम। और ये चित्र मुलाक फरमाए कि वो नुकरई खनक मेरे कानों में बच गई, वो नुकरई खनक मेरे कानों में बस गई, नगमों में ढल गया है किसी का सुखद तमाम, वो नुकरई खनक मेरे कानों में बस गई, वो नुकरई खनक मेरे कानों में बस गई, नगमों में ढल गया है किसी का सुखद तमाम।
और आखिरी से खूबसूरत की साथ पेश कर रहा हूँ। अब करता हूँ इसलिए कि इसकी महफिलों में मैंने बहुत वक्त गुजारा है और इसी सिलसिले से खिदमत खास ताल्लुक बुला फरमाए कि किस तरह छुप सके तेरी अंजुमन की बात, किस तरह छुप सके तेरी अंजुमन की बात, महका हुआ है आज मेरा पहरहन, किस तरह छुप सके तेरी अंजुमन की बात, किस तरह छुप सके तेरी अंजुमन की बात, किस तरह छुप सके महका हुआ है आज मेरा पहरहन तमाम, किस तरह छुप सकेगी तेरी अंजुमन की बात, महका हुआ है आज मेरा पहरहन तमाम, दौरे सदा का जिक्र मुनासिब नहीं मुझी, दौरे सदा का जिक्र मुनासिब नहीं मुशीर, उड़ने लगा है खौफ से रंगे चमन का, और सदा का जिक्र मुनासिब नहीं मुझी, उड़ने लगा है खौफ से रंगे चमन का, मक्कल बनी हुई है तेरी अंजुमन तमाम, फिर भी नहीं फरमाए के हरकताओं के घर में भी अब चराग संभल कर जलाइए, घर में भी अब चराग संभल कर जलाइए, बारूद बन चुकी है पलाए वतन, घर में भी अब चराग संभल कर जलाइए, बारूद बन चुकी है पलाए वतन तमाम, नाकूस की सदा को अजा कहके आसमान, नाकूस की सदा को अजा कह गया था मैं, इतनी सी बात पर है खफा बिरहमन, हजरत मुशीर जिंदानी का कलाम आपको समाप्त फरमाया। जिन नामवर शौरा को आपने अब तक समाप्त फरमाया है उनके बाद मेरी फहरिस्त में जिन मशाहिर के नाम हैं उनको भी आप समाप्त फरमाएंगे। मैं एक शेर पहले उस शायर की तरफ से आपकी नजर करता हूँ और फिर उनको दावत सुगन देता हूँ। वो दुश्मनों की तरह मुझ पे वार करता है, वो दुश्मनों की तरह मुझ पे वार करता है, मगर गिरोह में अपने शुमार करता है। जनाबे अतीकुल्ला, पहले ताबिश थे अब अतीकुल्ला हैं, जो इसका ख्याल हमारी दावत पर जहमत फरमाई थी। शोबाए उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी में लीडर की हैसियत से वो खिदमत पर मामूल हैं। जनाबे अतीकुल्ला तशरीफ लाएं। चार शेर पहला शेर मतला है, देर इनका अगर है साहत कुछ, देर इनका अगर है साहत कुछ, कोई दिखलाए तो जसारत कुछ, देर इनका अगर है साहत कुछ, कोई दिखलाए तो जसारत कुछ, एक छनाके से तोड़ ले रिश्ते, एक छनाके से तोड़ ले रिश्ते, आंख की दर्द से गिरा मत कुछ, एक छनाके से तोड़ ले रिश्ते, आंख की दर्द से गिरा मत कुछ, आंख की दर्द से गिरा मत कुछ, मेरा दुख तेरी वारदात बने, मेरा दुख तेरी वारदात बने, तो मैं समझूं कि है रिफाकत कुछ, मेरा दुख तेरी वारदात बने, तो मैं समझूं कि है रिफाकत कुछ, पिंडलियों में उतर गया बचपन, पिंडलियों में उतर गया बचपन, पीठ से मुड़ गया है तामत कुछ, दिन का अगर है साथ कुछ, कोई दिखलाए तो जसारत कुछ,
की मिट्टी न फिरी, फर्श का पत्थर न हिला, छत की मिट्टी न फिरी, फर्श का पत्थर न हिला, उसकी रफ्तार में कुछ अब के नयापन सा था। छत की मिट्टी न थी, फर्श का पत्थर न हिला, उसकी रफ्तार में कुछ अब के नयापन सा था। मैं किसी चीख का अखबा था कि इस जंगल में, मैं किसी चीख का अखबा था कि इस जंगल में, जिस जगह फूट के निकला हूँ वही शोर हुआ। मैं किसी चीख का अखबा हूँ कि इस जंगल में, जिस जगह फूट के निकला हूँ वही शोर हुआ। मैं यूं तो खुश आया, हुआ है उसे इनकार बहुत, यूं तो खुश आया, हुआ था उसे इनकार बहुत, पीठ पर हाथ रखा था कि लहू बजने लगा। यूं तो खुश आया, हुआ था उसे इनकार बहुत, पीठ पर हाथ रखा था कि लहू बजने लगा। मैंने जो शुरू में अर्ज किया था कि फहरिस्त में हमारे चंद मशाहीन शोराओं के अस्माए ग्रामी हैं, उनमें डॉक्टर मुबीचुद्दीन फरीदी, डॉक्टर मुजफ्फर हनफी, प्रोफेसर अनवर सिद्दीकी, डॉक्टर तनवीर अहमद अलवी, जनाब गुलाम अहमद इलमी, डॉक्टर शिव प्रसाद जावेद बशीर, प्रोफेसर जहीर अहमद सिद्दीकी, प्रोफेसर अमर रईस और शायद सदर जनाब सैयद हामिद साहब के अस्माए ग्रामी शामिल हैं। इन हजरात को जिस तरह से हमने पहले हजरात को बहुत ही दिलचस्पी के साथ और दिल की गहराई में सुना है, मेरी दरख्वास्त है कि इन शुरा को जिस वक्त मैं जन्मत दूंगा आप और भरपूर तवज्जो इस्तेमाल फरमाएं। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ डॉक्टर मुजफ्फर हनफी से, जो रीडर शोबाए उर्दू जामे मिलिया इस्लामिया और जिनको आप रिसालों में, मुख्तलिफ अदबी जरीदों में और जो उनकी तख्लीकात अब तक तहकीकी, तनकीदी और नज़्म नस्क के मैदान में उनका काम है आपने पढ़ा होगा, आप पढ़ते होंगे, कोई इसका बार भी हो आपने जहमत फरमाई थी, मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो आपके सामने अपना कलाम कलाम पेश करता हूँ। बदल के चल शेर मुलाज़िम डॉक्टर मुजफ्फर मतलास करो, सैलाबों को शह देने में, सैलाबों को शह देने में, तूफान को उकसाने में, सैलाबों को शह देने में, तूफान को उकसाने में, कितने हाथों की साजिश है एक दीवार गिराने सैलाबों को शह देने में, सैलाबों को शह देने में, तूफान को उकसाने में, कितने हाथों की साजिश है एक दीवार गिराने में, कितने हाथों। शेर अस्करम, फन को महकाए रखते हैं जख्मी दिल के ताजा फूल, फन को महकाए रखते हैं जख्मी दिल के ताजा फूल, टूटी तख्ती काम आती है नैया पार लगाने, फन को महकाए रखते हैं, फन को महकाए रखते हैं जख्मी दिल के ताजा फूल, टूटी तख्ती काम आती है नैया पार लगाने में, और बुझते बुझते भी जालिम ने अपना सर झुकने न दिया, बुझते बुझते भी जालिम ने अपना सर झुकने न दिया, फूल गई है सांस हवा की एक चरा बुझाने, बुझते बुझते भी जालिम ने अपना सर झुकने न दिया, फूल गई है सांस हवा की एक चरा बुझाने। और शेर देखिए, तितली जैसे रंग बिखेरो घायल होकर कांटों से,
तितली जैसे रंग बिखेरो घायल होकर कांटों से, मकड़ी जैसे क्या उलझे गम के ताने बाने। तितली जैसे रंग बिखेरो घायल होकर कांटों से, मकड़ी जैसे क्या उलझे गम के ताने बाने में। और आखिरी शेर है, बेजारी के हाथ न मरना, बेजारी के हाथ न मरना, जीने के सौ गीले हैं। बेजारी के हाथ न मरना, जीने के सौ गीले हैं। प्यारे सर में वहशत हो तो गर्व बहुत ही आने, प्यारे सर में वहशत हो तो गर्व बहुत ही आने। बेजारी के हाथ न मरना, जीने के सौ गीले, बेजारी के हाथ न मरना, जीने के सौ गीले हैं। प्यारे सर में वहशत हो तो गर्व बहुत वीराने, प्यारे सर में वहशत हो तो गर्व बहुत वीराने। और मतर्स कर रहा हूँ, खोया जी का चैन मुजफ्फर उनसे तर्क ताल्लुक पर, खोया जी का चैन मुजफ्फर उनसे तर्क ताल्लुक पर, आ पहुंचे गिरदाब के मुंह तक दरिया से टकराने। खोया जी का चैन मुजफ्फर उनसे तर्क ताल्लुक पर, आ पहुंचे गिरदाब के मुंह तक दरिया से टकराने में। सैलाबों को शहते तूफान को उकसाने में, कितने हाथों की साजिश कहती बात। हज़रात, आज की दिन की अहमियत के पेश नज़र कुछ हमारे शुआरा हमारी खास दरख्वास्त पर आतशी गाना पसंद करते हैं। हालांकि उनमें एक दो शायर अलील भी हैं, लेकिन चूंकि मोहब्बत है आज के दिन से और वो पसंद करते हैं उन सामईन को कि जो इस दिन तशरीफ लाते हैं। मेरी मुराद है और दरख्वास्त है जनाब गुलाम अहमद तिल्मी साहब से, जिनका ताल्लुक फतेहपुरी मुस्लिम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अरसा दराज से है और अब कुछ दिनों में वो रिटायर होने वाले हैं। वो अलील हैं लेकिन हमारे खास दरख्वास्त पर तशरीफ लाए हैं। उन्होंने भी कई नस्लों की तरबियत की है। आज उनके पढ़ाए हुए तलबा मुख्तलिफ इदारों में इंस्टीट्यूशन में मुख्तलिफ खदमात अंजाम दे रहे हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब गुलाम अहमद तिल्मी साहब से कि वो ज़हमत फरमाए और अपना कलाम आपके सामने पेश करें। गज़ल छोटी बैन में कुछ जन शेर मुलाहजा फरमाए। पहला मतलब तो इसका बरसों पहले का कहा हुआ है, 20-22 साल पहले, बाकी तमाम अशार में महफिल इश्क का दिया हूँ मैं पिले इश्क का दिया हूँ मैं, धुंध झोंकों में जल रहा हूँ मैं, धुंध झोंकों में जल रहा हूँ मैं। दूसरा मतलब मुलाहजा फरमाइए, इब्तिदा हूँ न इंतहा हूँ मैं, इब्तिदा हूँ न इंतहा हूँ मैं, महव-गर्दिश हूँ दायरा हूँ मैं, महव-गर्दिश हूँ दायरा मतलब खसूसियत से मुलाहजा फरमाइए, कहकहों में घिरा हुआ हूँ मैं,
है कहूं में घिरा हुआ हूं मैं सबको घबरा के देखता हूं मैं पर कहूं में घिरा हुआ हूं मैं सबको घबरा के देखता चेहरा भी है तेरा चेहरा मेरा चेहरा भी है तेरा चेहरा गौर से देख आईना हूँ मैं गौर से देख आईना कदर सहल मत समझ मुझको इस कदर सहल मत समझ मुझको एक पेचीदा मसाला हूँ मैं एक पेचीदा मसाला हूँ मैं फैसला हो है रूज़े अज़ल फैसला हो चुका है रूज़े अज़ल जिंदगी जुर्म है सजा हूँ मैं जिंदगी जुर्म है सजा हूँ मैं और मेरा कब्ज़ा है इन सभी पर मेरा कब्जा है इन सफीनों पर तू खुदा है तो ना खुदा हूँ मैं तू खुदा है तो ना खुदा हूँ मैं और मक्तब लाजा फरमाइए एक जर्रा सही मगर इल्मी एक जर्रा सही मगर इल्मी अर्श से टूट कर गिरा हूँ जामे मिलिया इस्लामिया जो मशहूर नक्काश शायर अदीब और कलमकार हैं जनाब अनवर सिद्दीकी से दरख्वास्त करूंगा कि वो ज़हमत फरमाएं और अपना कलाम पेश करें। प्रोफेसर अनवर सिद्दीकी डुबोए देता है खुदा गही कबार मुझे डुबोए देता है खुदा गही कबार मुझे मैं ढलता नशा हूँ मौजे तरफ उभार मुझे डुबोए देता है खुदा गही कबार मुझे मैं ढलता नशा हूँ मौजे तरफ उभार मुझे ऐ रूह असल मैं तेरा हूँ तेरा हिस्सा हूँ मैं रूह असल मैं तेरा हूँ तेरा हिस्सा हूँ खुद अपना ख्वाब समझ कर जरा संवार मुझे ऐ रूह असल मैं तेरा हूँ तेरा हिस्सा हूँ खुद अपना ख्वाब समझ कर जरा संवार मुझे शेर मुराजा हो कि बिखर में बिखर के सब में अबस इंतजार है अपना बिखर के सब में अबस इंतजार है अपना जला के खाक करे शम इंतजार मुझे बिखर के सब में अबस इंतजार है अपना बिखर के सब में अबस इंतजार है अपना जला के खाक करे शम इंतजार मुझे शेम राजा हो अजाब ये है कि मुझ जैसे फूल और भी हैं अजाब ये है कि मुझ जैसे फूल और भी हैं
सलीब शाह से दस्ते खजान उतार मुझे। अजाब ये है कि मुझ जैसे फूल और भी हैं, सलीब शाह से दस्ते खजान ये है कि मुझ जैसे फूल और भी हैं, सलीब शाह से दस्ते खजान उतार मुझे। डुबोए देता है खुदा कहीं कबार मुझे, मैं ढलता नशा हूँ।